सबई पधारे भाई श्रोता बंधु, कन्हैया कैसेट के प्रांगण में सभी पधारे हैं जो। और अभी आपने बहुत सुंदर सुंदर भजन यहाँ सुने हैं इस मंच के माध्यम से, बहुत अच्छा आनंद लिया आपने। और अब आप लोगों की, जैसे कुछ लोगों की इच्छा है कि आप वो सुना दो दहेज प्रथा वाला, क्योंकि दहेज प्रथा के हमने कई गीत गाए, लड़कियों के बेटियों के तो हमने बहुत से गीत गाए, और कुछ माता बहनें कह रही हैं महाराज जी वो सुना दो, तो मैं देखो प्रयास कर रहा हूँ। आपने सुना होगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, है हर जगह लिखा रहता है, स्कूलों में तो खास कर से लिखा रहता है। अब बेटी जब दहेज प्रथा कि मारे परेशान है, अब बिटिया बच तो गई, बेटी तो बच गई और पढ़ भी गई, लेकिन अब दूसरे घर कैसे करो जाए, बड़ी समस्या है। सुनो आप बिल्कुल अपने पारंपरिक धुन में, बहुत अच्छी लाइन है। अरे जिनके घर में है बिटिया सयानी, जब बिटिया बड़ी होत ना तो मताई बाप खा नींद नहीं आउ कि ई बिटिया खा पराए घर को कैसो करें, भाई करें कैसे, पैसा तो होए। जिनके घर में है बिटिया सयानी, सो कैसे के कर में काज भले। जिनके घर में है बिटिया सयानी, तो कैसे के कर में काज भले। अब काज करने की समस्या इसे है कि जिते जाओ बिटिया देखो, अगर लड़की पसंद आ जाए तो हमें चाहने कछ नहीं, देखो आप और चावे के पीछे भाई भुआ ब्याह पे नहीं कर दी, आठ दिन पहले नहीं कर दी, आज हमारे पास एक फोन आओ तो बोलो महाराज हमारी बिटिया को संबंध होगा तो, लेकिन उन्होंने कल नहीं कर दी, हमने पांच की कह दी थी उनसे, लेकिन भी साढ़े सात आठ मांग रहे, समस्या जाए है। के जिन घर जाए टीपना मानन, जिन घर जाए अरे टीपना मानन, सुमिलत न उनके मिजाज भले। जिन घर जाए टीपना मानन, सुमिलत न उनके मिजाज भले। जिनसे बात करो उनको कछु समझ में नहीं आऊ, मिजाजी समझ में नहीं आऊ, दो बंदी तो बात करत चाने कछु नहीं है, हमारे सब ना भगवान ने केवल लड़की चाने, तो आठ जना पहले मना कर दे, अगर तय नहीं हो पाई व्यवस्था नहीं हो पाई तो वो दो जना पहले मना कर दे, हैं बिटिया से कोई लेना देना नहीं उन्हें दहेज की वजह से, दहेज चाने इतनो चाने को उनके घर में कछु है ही नहीं है, सब कछु बाप इसे तो चाने बिटिया के कछु हुए जब तो है। को गरीब को साथी भावना, गरीब को कोई साथी नहीं, हाँ अरे को गरीब को साथी भावना, अरे धनवारन के राज भले। जिनके घर में है बिटिया सयानी, कैसे के घर में काज भले।
देखो आप दान और दहेज जो दौ जाए वो दान, जैसे बिटिया को ब्याह हो तो कन्यादान करो, हम अपनी बिटिया दे रहे हैं वो दान, और जो दहेज है वो खींच मसक के ले वो घींची मरूर के ले वो दान, तो बिटिया वो कर ही रहो, अब दान बड़ो होते दहेज। देखो आप जो आदमी दान कर लो, अपनी आत्मा दान कर लो, श्रद्धा से भेंट कर लो, उके आगे दहेज को कुछ मतलब है? दहेज की तो तोल सकता, अब दान तो दे ही रहो, तो दान तो मांगने नहीं है। अरे दान दहेज अलग मांगते हैं, दान दहेज अलग मांगते हैं, लगत उन्हें ना लाज भले यू। अर्जुन के घर में बिटिया सियानी तो कैसे के कर में काज भले यू। बोला चले का समस्या ऐसी बन गई, वो दहेज की वजह से बिटियां कितनी परेशान हैं, क्यों बिटियां रखो तो मुकदमा लड़ लड़ के जाने आ रहा सास ने, हम काऊ की बात नहीं कर रहे, हमारी खुद समस्या है। हो जाते दान और दहेज, दान जो दौ जाए और दहेज जो लौ जाए, दहेज लेवे को और दान तो हम दे ही दे। अरे जो दहेज को चालो चल गो, ऐसी चलन चली के चाहे हल्को हो चाहे बड़ो हो चाहे भेकमंगा हो चाहे सेठ हो, चल गो तो चल गो, हवा चली सु सब जगह। जो दहेज को चालो चल गो, जब से दहेज की प्रथा चल गई सुहरा गो सुख साज भले जू। अर्जुन के घर में बिटिया है सियानी, सुखे से के तल में काज भले जू। इसमें आपका जो निवेदन है, आज आप जो गीत सुन रहे, हम गीत आपके सामने गा रहे, ई मंच से गा रहे, कन्हैया कैसेट के प्रांगण में जो गीत गा रहे, और आपसे जो निवेदन कर रहे कि अगर आप मन से गीत सुन रहे हो तो आज से आप संकल्प कर लो कि ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे। हाँ बिटियां हो दहेज देने भी नहीं है, और लड़का हो तो दहेज लेने भी नहीं। अगर जो आप संकल्प आज से कर लो तो सारी समस्या को समाधान यही में है। अरे चली गया बहुत रीत जा बदलो, चली गया बहुत रीत जा बदलो, अरे बदलो सकल समाज भले यू। जिनके घर में बिटियां हैं सियानी, सुके सिंह कर में काज भले यू। जिनके घर में बिटियां हैं सियानी, सुके सिंह कर में काज भले। जल्दी पर सेठ दीपक भैया जाओ जाओ, खुश रहो प्रसन्न रहो सुखी रहो, आपने कार्यक्रम आयोजित करवाया बहुत अच्छे बेटा।
या कहत रीत जा बदलो, छलिया कहत रीत जा बदलो, अरे बदलो सकल समाज भलेंदू। जिनके घर में बिटिया है स्यानी, तो कैसे के कर वे काज भले। अरे जिनके घर में बिटिया है स्यानी, तो कैसे के कर वे काज भले। कैसे कर है काज भले।